हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सभी का टिप्स ट्रिक्स एंड फन पर। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि आखिर रबड़ के पार्ट्स को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टिप्स ट्रिक्स एंड फन चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले प्रोडक्ट की डाई या फिर सांचे को एक निर्धारित टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें रबड़ पिघलकर सांचे का रूप ले सके। और जब तक डाई गर्म हो रही है तब तक एक स्पेशल प्रोसेस से तैयार की गई रबड़ की शीट को प्रोडक्ट के वजन और साइज के हिसाब से टुकड़ों में काट लिया जाता है। डाई को ओपन करके उसमें सिलिकॉन लगाया जाता है ताकि तैयार प्रोडक्ट आसानी से निकल सके, वो डाई में चिपके ना। सिलिकॉन लगाने के बाद खाँचों में रबड़ को भर दिया जाता है ताकि उससे प्रोडक्ट बन सके। दोस्तों, रबड़ को भरने के बाद इस डाई को बंद करके हाई प्रेशर से दबाया जाता है ताकि रबड़ पिघलकर सांचों का रूप ले सके और इसे क्योर होने या फिर पकने के लिए निर्धारित समय तक छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब तक इस डाई का प्रोडक्ट क्योर होता है तब तक आइए देखते हैं दूसरी डाई का प्रोडक्ट जो कि पहले से रखी हुई थी वो अभी क्योर हो चुका है, उसे खोल के देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। दोस्तों, डाई को पूरी तरीके से खोला जा चुका है और एक पुशिंग टूल की मदद से प्रोडक्ट को पुश करके डाई से बाहर निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, रबड़ प्रोडक्ट बनाना एक बहुत ही कुशलता और मेहनत का काम है और इस मेहनत के लिए एक लाइफ तो जरूर बनता है। दोस्तों, अब प्रोडक्ट डाई से निकल चुका है जो कि बहुत गर्म है और इसे अब दूसरे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। अब इस खाली डाई में फिर से सभी स्टेप्स को रिपीट किया जाएगा जैसा कि हमने पहली डाई में किया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर एक और हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।